चलो चलो बल्लू मानव मेहर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब मुझसे मिलना है। शुक्र है इनके आने से पहले याददाश्त बुलाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। ये रोहित मोंटू केवल भी हाँ माँ सब मुझसे यही मिलना है। बल्लू पक्का हम तुझसे ही मिलने आए थे? नहीं यहाँ शाहरुख और सलमान आए थे ना मुझसे मिलने आए थे। हाँ। अरे मुझसे मिलने आए थे। झूठ। अरे झूठ नहीं मुझसे मिलने आए थे। अरे नहीं 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 झूठ कहा चाचा जी ने। ये लोग कहाँ मूर्ति बने? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। बल्लू वो भयंकर परी और वो टूबा टूबा टू बाई टू कहाँ है? इधर ही थे ना? किधर उड़ गए? देखा देखा इस घर में सब उड़ते। उड़ गए भयंकर परी और तौबा तौबा ऐसे ही कहा होगा ना चाचा ने आपको? हाँ। तो ऐसा भी कहा होगा कि घर भी उड़ गया है। हाँ, ऐसा ही कहा। चाचा जी क्या हो क्या गया आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ए बल्लू मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है ना तुझे हुआ है। ए मानव महर ए तुम बताओ वो भयंकर परी और वो तूबा तूबा यहाँ आया था कि नहीं? नहीं। ए देखो ये घर है ना घर ऐसा हिल के ये झोपड़ा हवा में उड़ के चला गया था कि नहीं? नहीं। हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अभी बच्चे हैं तो सच ही कहेंगे है ना? मैं हमारी बात पर यकीन नहीं है कि हम बल्लू से मिलने आए थे तो मैं आपकी बात पर यकीन कैसे होगा? क्या तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो हम चलते हैं। चलो चलो आपकी झूठी कहानी की वजह से मैंने बल्लू के लिए जो खाना बनाया था दुबई ले जाने के लिए वो मैं घर पर ही छोड़कर आ गई। स्मिता चलो लेके आते चलो। अरे वाह ये बल्लू तू दुबई जा रहा है और आप नहीं जा रहे? लगता है चाचा जी का फ्यूज उड़ गया। चाचा जी अरे आप और बल्लू दोनों ही दुबई जा रहे हैं। अच्छा क्या बा, बा, बा। ए बल्लू क्या ये तू मैं और दुबई और मुझे किसने बताया नहीं और हमें भेज कौन रहा है? आप खुद ही तो जा रहे हैं। अच्छा क्या मैं और दुबई? अरे मैं दिल्ली नहीं जा सकता दुबई क्या जाऊंगा? अरे भाई तुमने तो कहा था कि दुबई में किसी होटल में तुम्हें नौकरी लगी है। आपने क्या गोली खाई है क्या? ये बकवास बंद करो। आप बकवास बंद करो। अरे यहाँ मुझे अपनी चाय की दुकान नहीं संभाली जाती वह दुबई में जाके क्या संभालूंगा मैं? बल्लू को लेने क्यों आए थे? हाँ और आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बल्लू को लेके हमेशा हमेशा के लिए दुबई चले जाओगे? नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं कहा। तो किसने कहा? मैंने मतलब मैंने भी नहीं कहा। सब उलट पुलट हो रहा है पर अच्छा ही है। अरे मैं दुबई बल्लू इधर मेरा घर उड़ जा रहा है भयंकर तोबा तोबा का है पता नहीं। अरे मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं 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 एक मिनट के लिए भी हम बल्लू को यहाँ नहीं रखेंगे। ले जाओ मेरी माँ ले जाओ। नहीं मानव महर की माता जी ले जाओ। अच्छा हम लोग अगर बल्लू को हमारे घर लेके जाएंगे तो आपको कोई एतराज नहीं है बराबर? नहीं नहीं बिल्कुल एतराज नहीं। इसके साथ आप मुझे भी ले जाओ। ले चले? नहीं नहीं बल्लू जी हम अभी बल्लू को अपने घर ले जाएंगे। ये!
देखा तौबा तौबा, आखिर ये अपने असली रूप में आ ही गया। अब तो दे दीजिए मुझे पुरस्कार, दे दीजिए मुझे पकवान, बना दो मुझे अब तो प्रधान। जब भी बकू वार करने दो मुझे उस पर। नहीं, आज बल्लू नहीं, मेहर बनता। ये पल्लू मेहर क्यों बन गया? नहीं, मेहर तो परसों ही बना था। एक काम करता हूँ, मानव बनता हूँ। नहीं, आज मानव नहीं, तौबा तौबा बनता हूँ। देखे घूमूंगा मैं ये बेकार चेहरा पृथ्वी लोक पर, तो लोग मारेंगे मुझे पत्थर पागल समझकर। तुम्हारा सुना क्या कहा उसने? बेवकूफ, अभी बताता हूँ तुझे। बेवकूफ, कहाँ जा रहे हो? खड़े रहो यहाँ पर। ये मत भूलो कि वो बालवीर है। नहीं, हूँ मैं बनता अभी केवल। आज रोहित बनता हूँ। नहीं नहीं, मैं आज बनता हूँ मोंटू। मगर मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये बार बार अपना रूप क्यों बदल रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है मेरी भी समझ में। हो क्या रहा है ये परी भयंकर? नहीं नहीं, आज मोंटू नहीं, वरना मुझे उसकी वजह से सब बच्चों को परेशान करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं अनिकेत बनता हूँ। ये ठीक है। कुछ समझ में आया बेवकूफ तौबा तौबा? हाँ, गया मैं समझ। मंटू, मानव, मेहर, केवल, रोहित और पृथ्वी लोक के कई सारे बच्चों के रूप में रहता है बालवीर। गया मैं समझ। अगर तुम्हारे भेजे में अकल होती तो मुसीबत ही क्या थी। मुझे समझ में आ गया है कि बालवीर इस धरती पर अलग अलग बच्चों के रूप में रहता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। परी भयंकर, करा लो अपनी ग्रहों की शांति की पूजा, वरना आप निकालिए आपकी कुंडली में हार और मात खाना। इस हार को भी जीत में बदल लेगी ये भयंकर परी। हार हार मेरे वार को और भी खतरनाक बना देती। मेरा बल्लू पर से संदेह जरूर खत्म हो गया है, मगर बालवीर से दुश्मनी नहीं। अरे बाप, क्या बुद्धू बनाया है बालवीर ने भयंकर परी को। बालवीर ने नहीं, रानी परी ने। क्या क्या रानी क्या? परी? इसका मतलब सारा खेल रानी परी ने रचाया हुआ था। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, हमने जो युक्ति बनाई थी उसका परिणाम बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा हमने सोचा था। वो इसीलिए क्योंकि हम भयंकर परी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। पर रानी परी की युक्ति थी क्या, जरा हमें भी तो बताइए। हाँ रानी परी, बताइए ना। दरअसल मैं और डूबा डूबाई, मैं अभी बल्लू बनकर बल्लू के चाचा के पास जाता हूँ। चलो बालवीर। रुको बालवीर,
क्यों रानी परी? बल्लू अपने चाचा के घर जाएगा, लेकिन वो बल्लू बालवीर आप नहीं बल्कि डूबा डूबा एक तुम होगे। पर रानी परी, पृथ्वीलोक में बल्लू बनकर मैं जाऊँ या डूबा डूबा एक, उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है बालवीर, क्योंकि भयंकर परी को पता है कि बल्लू के रूप में आप शक्तिहीन हो, इसलिए आपको बल्लू के रूप में देखकर वो आप पर वार जरूर करेगी। और अगर उसने आप पर वार करके आपको कैद कर लिया तो फिर बालवीर आप अपने आप को उससे बचा नहीं पाएंगे। और अगर उस वक्त हम आपको बचाने आ गए तो फिर भयंकर परी का शक यकीन में बदल जाएगा कि आप ही बालवीर हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि डूबा डूबा एक बल्लू बनकर वहां जाए, और हमें यकीन है कि भयंकर परी उस पर वार जरूर करेगी। तभी बालवीर आप वहां जाकर बल्लू को बचाएंगे, और बल्लू और बालवीर को एक साथ देखकर उसका संदेह भी दूर हो जाएगा कि बल्लू ही बालवीर। अरे वाह है, ये तो एक तीर से दो शिकार। आपकी युक्ति अच्छी है रानी परी, लेकिन डूबा डूबा के उल्टा बात करने के ढंग से कहीं भयंकर परी को ये पता ना चल जाए कि बल्लू के रूप में कोई डूबा डूबा ही है। ऐसा नहीं होगा, हम अपने जादू से थोड़ी देर के लिए डूबा डूबा एक की भाषा को सीधा कर देंगे, फिर वो बिल्कुल सीधा बोल पाएगा। सचमुच ये तो बहुत ही कमाल की युक्ति थी रानी परी। हाँ रानी परी, वरना मैं तो बालवीर की सुरक्षा को लेके बहुत चिंतित थी। हाँ, इससे भयंकर परी का संदेह भी दूर हो गया और किसी को चोट भी नहीं लगी। बेचारी भयंकर परी, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरह से बुद्धू बन गई है। हाँ। अरे बस 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 परियो, अभी तक तो युक्ति का सिर्फ एक ही हिस्सा सुना है, दूसरा हिस्सा तो बाकी है। क्या एक और हिस्सा बाकी है? हाँ बताओ ना बालवीर। हाँ हाँ बालवीर बताओ। जैसा कि रानी परी ने कहा कि वो भयंकर परी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती है, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले रानी परी ने मुझे बताया था कि भयंकर परी विश्वास के योग्य नहीं है, और पलट कर पीठ पीछे वार करना उसका स्वभाव है। इसलिए मैं जानता था कि मुझसे हारने के बाद वो पलट कर वार करने जरूर आएगी, और इसीलिए जब वो वापस आई तो मैंने अलग अलग रूप लेना शुरू कर दिया। वाह रानी परी, और इसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी ने जादुई कुंड में देख ही लिया। अब तो भयंकर परी को लग रहा होगा कि बालवीर पृथ्वी लोक में एक रूप में नहीं बल्कि अनेक रूप में रहता है। हाँ, और आज ये पक्का भी हो गया कि अच्छाई बुराई से ज्यादा ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी है। सो तो है। रानी परी, रानी परी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कहो बालवीर। रानी परी, भयंकर परी का संदेह दूर हो गया है कि बल्लू ही बालवीर है, तो क्या मैं आपकी आज्ञा से सास सच्चों के परिवार में वापस जा सकता हूँ? हाँ बाली, अब तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम खुशी खुशी उनके पास जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। हेलो, आप सुन रहे हो ना? हाँ हाँ मैं रो रही हूँ, और क्यों ना रो, ये लोग मुझे बिना बताए बल्लू को मिलने अकेले चले गए। अब आप ही बताइए, है ना ये स्ट्रॉन्ग? दादी स्ट्रॉन्ग नहीं, रॉन्ग। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अब ये रॉन्ग ही है ना। हाँ आप लोग क्यों मुझे बिना बताए बल्लू को मिलने चले गए? अगर मुझे बताया होता तो मैं भी आती थी ना उसे बाय बोलने। अरे माँ माँ, अब बल्लू को बाय नहीं, बल्लू आए बोलो, आए बोलो। क्यों आए बल्लू? कि अब बल्लू का जाना कैंसल हो गया दादी। हाँ
क्योंकि अब बल्लू हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। अरे वाह, संतोषी माँ ने मेरी सुन ली, अब 300 सीढ़ियां चढ़ के आएंगे मानव और महर। मानव और महर के पापा। अभी बल्लू को वापस भेजता हूँ दुबई। अरे पर बल्लू है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। लेकिन बालवीर कहाँ है? उसी ने तो कहा था मुझे यहाँ आने के लिए। अरे कहाँ है बालवीर? अगर अगर घर पे सबको पता चल गया कि बल्लू वहाँ नहीं है तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बालवीर, बालवीर अच्छा हुआ आ गए तुम सही समय पर। अब मैं ले लेता हूँ अपना असली रूप। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मित्र। नहीं नहीं मित्र बालवीर, दोस्ती में ना माफी ना शुक्रिया। चलो जल्दी से अपने घर जाओ, वरना घर वाले फिर से चिंता करेंगे कि है बल्लू कहाँ। हाँ, सही कह रहे हो तुम डुबा डुबाई, मैं अभी बल्लू बन जाता हूँ। डुबाडू भाई अब तुम भी परी लोग जाओ। है ठीक। नहीं बल्लू वापस तो नहीं चला गया? हाँ वो ऐसे कैसे जा सकता है। मोटे भाई चल के चल के। रॉकी चल के क्यों जाएगा वो? वो ऑटो से भी तो जा सकता है। अरे मानव ना ही मैं चल के जाऊंगा और ना ही मैं ऑटो से जाऊंगा, बल्कि मैं यही हूँ और हमेशा यही रहूंगा। वाह भगवान ने मेरी सुन ली, गॉड इज लेट। दादी गॉड इज लेट नहीं, गॉड इज ग्रेट। हाँ वो वही सेम टू सेम। अरे लेट तो हम लोग हो गए उस खाने के लिए जो मैंने बल्लू के लिए बनाया था। चलो भाई बल्लू के न जाने की खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं। गुड आइडिया। मैं काम करती हूँ, मैं खाना लगाती हूँ, तुम सब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। और बच्चों मैं तुम्हारे दादाजी को फोन करके बता देती हूँ कि बल्लू अब कहीं नहीं जा रहा है। और मैं कपड़े बदल के वापस आता हूँ। चले बल्लू। बल्लू मैंने तुझे जो वो बोला था ना कि तू बेड पे अकेले सो सकता है, क्योंकि मैं भी तेरे साथ सो सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे नीचे नींद नहीं आती है ना इसके लिए। हाँ हाँ मानो तुम भी मेरे साथ सो सकते हो। बल्लू 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 क्या मैं अपने खिलौने तुमसे वापस ले लूं? वो जो मैंने तुम्हें एक ट्रक, एक बस और एक रिमोट कंट्रोल वाली कार दी थी, लेकिन लेकिन प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ उसे शेयर करूंगा। हाँ रॉकी चाचू, और वैसे भी वो खिलौने मेरे पास रहे या आपके पास फर्क क्या पड़ता है? अरे वाह ठीक है, मैं वो सारे खिलौने वापस ले लेता हूँ। ए लल्लू, मेहर तूने तो कहा था कि तुम मुझे कभी भी लल्लू नहीं कहेगी। अच्छा अगर लल्लू को लल्लू नहीं कहूंगी तो क्या बल्लू कहूंगी? और हाँ मैंने तब तुझसे जो भी कहा था ना वो तो इसलिए कहा था क्योंकि तू जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म। ज्यादा सिर पे मत चढ़ समझा। ओ हेलो तू मुझ पे हंस रहा है? नहीं 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 नहीं। अच्छा मैं तो अपनी बहन पे हंस रहा हूँ। ए ना मैं थोड़ा लल्लू हूँ ना इसलिए। मुझे पता है। अरे बल्लू महर ये कपड़ा नहीं बदला तुम लोगों ने यार। चलो चलो कपड़े क्यों। हाँ हाँ ये खाने दो ना महेश। अच्छा चल महर आ जाओ, चलो खाना खाने आ जाओ। ये बल्लू बल्लू बेटा खाना खाने आ जाओ चलो। हाँ पापा आता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला।
रानी परी, मुझे इनसे अलग कभी मत करना, कभी नहीं।